SFI DYFI के नेतृत्व में मंडी कॉलेज के छात्रों ने बसों को ना रोकने पर गलमा में चक्का जाम पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए SFI जिला सचिव रोहित ठाकुर ने कहा कि गलमा क्षेत्र से बहुत सारे छात्र मंडी महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और सभी छात्रों ने बस के पास बनाए हुए हैं। सभी घर से रोज सफर करते हैं। इस रूट पर सरकागार डिपो की बस यहाँ से गुजरती है, मगर ये बस नहीं रोकी जाती, जिसके कारण छात्र रोज कॉलेज में देरी से पहुँचते हैं, जिससे की पढ़ाई भी उनकी बाधित हो रही है। SFI DYFI के नेतृत्व में मंडी कॉलेज के छात्रों ने बसें न रोकने पर गलमा में चक्का जाम पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए SFI जिला सचिव रोहित ठाकुर ने कहा कि गलमा क्षेत्र से बहुत सारे छात्र मंडी महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और सभी छात्रों ने बस पास बनाए हैं। सभी घर से रोज सफर करते हैं। इस रूट पर सरकाघाट डिपो की बस 8:45 पर गलमा से गुजरती है, मगर ये बस नहीं रोकी जाती है, जिस कारण छात्र रोज कॉलेज में देरी से पहुंचते हैं, जिससे कि पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मजबूरन इन छात्रों को निजी बस में जाना पड़ता है, जिसमें कि बस पास लागू नहीं होता है और छात्रों को रोज अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि 2 अगस्त को हमने इसी मांग को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक मंडी को ज्ञापन सौंपा था और उसके बाद भी कई बार हम बस लगाने के लिए बोलते रहे, मगर उन्हें झूठे आश्वासन दिए, जिस कारण हमने मजबूर होकर ये चक्का जाम किया है। रोहित ठाकुर, SFI मंडी जिला सचिव। ये हमने गलमा में आज जो चक्का जाम किया है, ये जो छात्र हैं मंडी कॉलेज में अध्ययन करते हैं, इनकी जो बसों की समस्या है, इसको लेकर हमने 2 अगस्त को RM के माध्यम से ज्ञापन सौंपा था मुख्यमंत्री साहब को, और RM ने आश्वासन दिया था कि हम जल्द से जल्द क्या है इन छात्रों की जो ये बसों की समस्या है, इसका समाधान करेंगे। आज 16 तारीख हो गई और हमने 2 तारीख को ज्ञापन दिया था, 2 अगस्त को हमने ज्ञापन सौंपा, और देखते होंगे कि 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो गया है और आज तक भी उन जो छात्र हैं उन छात्रों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो हमें मजबूरन आज आंदोलन की रणनीति हमने तैयार की थी और आंदोलन की जो गति है हमें मजबूरन ये बढ़ानी पड़ी थी, तो आज हमने गलमा के अंदर चक्का जाम किया है। और यहाँ पर मौके पर स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी नायब तहसीलदार साहब है यहाँ पहुँचे थे और हमने उनसे लिखित आश्वासन मांगा था और नायब तहसीलदार ने ये लिखित आश्वासन दिया है हमारे को, हमें ये लिखित आश्वासन मिला है। और इसके बावजूद अगर लिखित आश्वासन के बाद भी अगर हमारी ये मांग नहीं मानी जाती है तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। वहीं छात्रा ऐश्वर्या का कहना है कि हमारे लिए बस का प्रावधान किया जाए ताकि हमें कॉलेज पहुंचने में परेशानी ना हो और हमारी पढ़ाई भी प्रभावित ना हो। वही मौके पर प्रशासनिक अधिकारी आए थे और हमने उनसे लिखित मांग की थी और उन्होंने हमें लिखित तौर पर आश्वासन दिया है, इसके बावजूद भी अगर बस नहीं लगाई गई तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। चक्का जाम के दौरान ऐश्वर्या शर्मा, प्रियंका ठाकुर, कुलदीप हितेश, भूपेंद्र राव, दुष्यंत कुमार, ऐश्वर्या ठाकुर, तरुण सपना, प्रियंका शर्मा, रोहित, अनिल, संतोष मौजूद रहे। मैं भूपेंद्र कुमार, अभिभावक। ये जो आज गलमा में चक्का जाम किया गया, ये पिछले 2 महीनों से लगभग हमारे जो बच्चे हैं, रिश्तेदारों के हैं, जो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको बस वाले उठाते नहीं हैं, वहाँ से बस रोकते नहीं हैं और इनके पास बनाए गए हैं, वो जो खर्चा है वो मतलब ऐसे ही बर्बाद जा रहा है और इनको जो है प्राइवेट बसों में जाना पड़ता है और कॉलेज में पहुंचने में भी इनको देरी होती है। उससे संबंधित जो है अभी पिछले 15-20 दिन पहले हमने एक मांग पत्र भी दिया गया था RM महोदय को, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी बसें नहीं रुक रही है। तो आने वाले समय में हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जो पूरे गांव के लोग हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं, उनको लामबंद करेंगे और आने वाले समय में इस संघर्ष को और तेज करेंगे, उग्र करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी और प्रशासन की होगी और HRTC प्रबंधन की होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो समस्या है इसका बहुत जल्दी जो है स्थायी समाधान किया जाए और इस क्षेत्र के लिए अलग से बस का प्रावधान किया जाए।